मुलायम सिंह के हाथ पहुंची जो पत्ती लगी समाज के लिए, और मायावती के हाथ पहुंची जो संपत्ति की बनी, और मोदी के हाथ पहुंची तो समाज सेवा की अभिव्यक्ति बनी राजनीति की है, राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति बनी राजनीति की है। इसलिए हम बहुत सी राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति को दिशा देंगे, राजनीति में खड़े रहेंगे, और जब संगठित होने का वजह आएगा तो ये दूसरवाद इन सबको भूल जाएंगे। संख्यावाद पर चलता है लोकतंत्र, तो संख्यावाद पर चलता है। हो सकता है कुछ लोग कहें हम भी ब्राह्मण हैं, और हम कहते हैं ये ब्राह्मण लीजिए तो फलाना है ढंका है, चर्चा चलती है। अरे छोड़िए रोटी बेटी के संबंध में बनाइएगा, लेकिन संख्या के संबंध बना के रखिए उन लोगों से, अपने आप आत्मसात करिए। हमारे अंदर ये गुण है कि सागर का पान किया है अगस्त में हम तो वो है, तो अपने लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं सकते। इसलिए सामाजिक भूमिका है, सामाजिक भूमिका में खड़े रहे, तो राजनीतिक भूमिका तो राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत बने वहां खड़े रहे, और राष्ट्र को दिशा देने की बात आए तो उसको दिशा दे, यही मेरा गलत नहीं है। हम अकेले चल पड़े थे राह मंदिर में, मगर लोग जो मिलते गए और कारवा बनता गया, सैलाब का बढ़ता गया, ये ब्राह्मण है। इसलिए हम सबको सामाजिक संगठनों को अपने आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए काम करना चाहिए, और इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। मित्रों, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, इससे मैं परहेज नहीं करता, होनी चाहिए, क्योंकि आज लोकतंत्र का जमाना है। संगठित होना चाहिए। अभी हमारे एक प्रवक्ता बोल रहे थे, शर्मा जी बोल रहे, संगठित होना चाहिए लोकतंत्र में। जब लोक का महत्व है तो लोग संगठित भी हो, लेकिन संगठित किस लिए, अपने लिए, ये समाज को दिशा दे। दोनों बातों को मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, चिंता आपको करना है। राजनीति समाज की दिशा का वाहक बने, राजनीति परिवर्तन का वाहक बने, राजनीति सेवा का वाहक बने, ये होना चाहिए। ये नेतृत्व तो सिर्फ ब्राह्मण दे सकता है, ब्राह्मण दे सकता है। राजनीति गलत नहीं होती, तो कहते हैं कि राजनीति बहुत गलत है, गंदी है। राजनीति तो सरल प्रधान की भांति होती है, जो जिस पात्र में डाली जाए वैसा आकार ग्रहण कर लेती है। वो बोतल में रखा है पानी, बोतल का आकार ग्रहण किया हुआ है, उसको गिलास में रखेंगे गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, उसको घड़े में रखेंगे घड़े का आकार ग्रहण कर लेगा। इसलिए राजनीति किसको सौंप रहे हैं, किस पात्र को दे रहे हैं, राजनीति वैसी होती है। राजनीति राम के हाथों थी, राजनीति भक्ति थी। राजनीति कृष्ण के हाथ पहुंची, युक्ति बनी। रावण के हाथ पहुंची, शक्ति बनी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्राह्मण के हाथ पहुंची, तो विरक्ति बनी राजनीति। ये इसलिए इतनी बड़ी चुनौती देने की उन्होंने साहस किया था, और उन्होंने पेश किया। इसलिए हम तुझे अंदर हमारे गुण आने चाहिए। जब गुण आएंगे तो हर व्यक्ति हमारे सामने नतमस्तक होगा, हमारे को प्रणाम करेगा, ये होना चाहिए। अच्छा, एक सामान्य संगठन आपने बनाया है, सर्व ब्राह्मण समाज महासभा, ये भी हम लोग को सोचना चाहिए। सामाजिक संगठन क्यों, सामाजिक संगठन अपनी मूल स्थिति से थोड़ा घटते जा रहे हैं, चाहे किसी समाज के वह समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, लोधी समाज हो, कालनी समाज हो, हर एक को राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी पर बात करते हैं, समाज के सुधार की बात नहीं करते।
ये लोकतंत्र है, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, ताकत आपके साथ जनसमर्थन होगी, हिस्सेदारी तो अपने आप मिलेगी, हिस्सेदारी आपके पीछे दौड़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ब्राह्मण से वोटर नहीं है, मोदी देता है। समाज को चलाने की, समाज को समझाने की ताकत उसको ईश्वर देती है। तो हम सामाजिक संगठनों की भूमिका क्या हो, जैसे अभी आप कर रहे हैं, बहुत प्रशंसनीय अनुकरणीय अनुसरणीय कार्य है। ये अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को बचा कर रखना और आने वाली नस्लों को सौंपना, मैं सभी आयोजकों का हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। उसने बल प्राप्त कर लिया था, सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो ये कहा गया कि नदी की हड्डियों से बना वज्र ही इसका वध कर पाएगा। कल्पना कीजिए, किसी से कहना कि तुम अपने शरीर की हड्डियां हमको दे दो, इस समाज के लिए जरूरत है। लेकिन हदीश ने ऐसा किया, वो ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मण बंद नहीं हुआ, अभिनंदन नहीं। समाज के लिए अपना उत्सर्ग, जीवन का उत्सर्ग, यह है ब्राह्मण चिति, यह है ब्राह्मण प्रकृति। राष्ट्र के प्रति समर्पण, चाणक्य हम सबके चलते हैं। एक उदाहरण है जो बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक चाणक्य को याद किया जाता है। क्यों? वो बहुत बड़े नीति ग्रह के साथ ही जो उनका मूल था ब्राह्मणत्व का, वो ऐसा रहता है इस देश के अंदर, ये देखने के लिए स्वर्णिम काल से चंद्रगुप्त मौर्य का एक सम्राट, एक हिंदुस्तान का स्वर्णिम काल जिसको आज तक माना जाता है राजनीतिक दृष्टि से, उसके महामंत्री चाणक्य तो पहुंचता है उनके दरबार में। उसके कल्पना नहीं होगी कि इतने बड़े साम्राज्य का महामंत्री, बड़े महंगे कपड़ों के पहने हुए, स्वर्ण स्वर्ण मुकुट डले हुए, स्वर्ण आभूषण पहने हुए होगा कोई। जब समा पहुंचता है सभा में, मात्र एक सफेद धोती पहने हुए व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि ये है मां मत्स्य मां मंत्री चाणक्य। वो हतप्रभ रह जाता है कि इतने बड़े साम्राज्य का महामंत्री ऐसा साधारण भी हो सकता है कि? तो वही निवेदन करता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ, आपके आवाज सराहना चाहता हूँ। रात का समय देते हैं, वो पहुंचता है वहां पर, पहुंच कर बैठता है उनकी कुटिया में। अरे इतने बड़े साम्राज्य के महामंत्री का आवाज है कुटिया। अब वो कुछ लिखा पढ़ी कर रहे होते थे उस समय, डिबरी जो से लालटेन छोटी बोलते हैं वो जलाकर अपनी लिखा पढ़ी कर रहे थे। वो बैठे चीन के यात्री, उन्होंने कहा हाँ बात शुरू की जाए। चाणक्य ने उस डिबरी को बंद किया, दूसरी डिबरी शुरू की। तो पहला प्रश्न उसके दिमाग में यही बोला कि ये क्या किया, बराबर की रोशनी लेकिन इसको बंद करना, इसको जलाना। तो उसने कहा ये आपने क्यों किया, क्योंकि ये डिग्री भी इतनी रोशनी दे रही थी, ये डिग्री भी इतनी रोशनी दे रही थी। तो बोले मैं अभी तक सरकारी काम कर रहा था, सरकारी खर्चे से चल रही थी, अब व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ तो व्यक्तिगत खर्चे से काम करूंगा, व्यक्तिगत। तो हेलसा लगता है कि जिस देश का महामंत्री इस चरित्र का होगा, वो देश का कभी पराभव नहीं हो सकता, उसका स्वर्णिम युग बना रहेगा। ये है ब्राह्मण, ये था ब्राह्मण। यह प्रकृति है हमारी, इसलिए हम अभिनंदनी थे, वंदनी थे। शास्त्र और शस्त्र, जैसा भी बहन जी ने कहा कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण था, नहीं, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण था। परशुराम जी तो इसके जीता जागता उदाहरण है।
जहाँ शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते हैं सोते हैं। तो ब्राह्मण शस्त्र शास्त्र का क्या था? द्रोणाचार्य और परशुराम को एक लंबी श्रृंखला है। आईडी किसकी रखी थी? हिंदी का। उसका परशुराम जी की। उसकी आईडी किसकी रखी थी? तो ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण है क्रोध। अगर कोई क्रोधी नहीं है ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन साथ में विनयशीलता भी उतनी ही, क्षमा करने की आंतरिक बल भी, आत्मिक बल भी उसमें होता है। तो जब शिव जी का धनुष टूटता है तो देखो कर परशुराम जी जनक जी के दरबार में पहुंचते हैं और राम से बात विवाद बताया। आप सबने पढ़ा होगा, नाथ सम्मुखर बंधन धारा हो तुम्हारा। उसके बाद में जब क्रोध में वो कहते हैं रामचंद्र जी से, चलो राम ये सिर धन तोरा, सहस भाव संतोष बोरा, सोई पिल जाओ बिहाई समाज, उसको बाहर ले आओ मेरे सामने, सो पिल जाओ बिहाई समाजा, ना तब मारे चाहिए सब राजा। ये ब्रह्मांड ब्राह्मण हो सकता है किसी और में ताकत नहीं है। तो राजा महाराज शूरवीर महावीर महारथी अभिरथी लेकर आए थे अपने साथ, कोई सेना के साथ नहीं आया था, सब सेना के साथ आए थे। और एक एक लौटा था, एक हाथ में पत्थर लिए हुए, सबको चुनौती देता है, यह है ब्राह्मण, तो यह अंदर पैदा होना चाहिए। तब हम मंत्री बनेंगे, तब हम अभिनंदनी बनेंगे, मेरे मंच से ही विषय होता है। क्या हम इतना आत्मबल रखते हैं? इतना आत्मबल कब पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, क्या क्या गुण अंदर हम अपने रखते हैं? एक वर्षाधारी पूरे चुनौती देता है अकेला, ना तक मारे नहीं है सब राज, रावण तक मौजूद था वह महाबलशाली। तो यार अतुल शर्मा जी, विद्यानाथ त्रिपाठी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा याचना चाहूंगा कि मुझे यहाँ आने में थोड़ा विलंब हुआ। मैं कल रात 2:30 बजे लखनऊ से आगरा पहुंचा हूँ, यानी आज सुबह 2:30 बजे। आगरा में कुछ विगत दिनों समाज के और पार्टी के प्रमुख व्यक्ति अकाल काल कवलित हो गए थे, उनके यहाँ जाना था, वहाँ गए। अब किसी ऐसी जगह जाए तो जल्दी नहीं कर सकते, वहां से जब इजाजत हुई तभी निकले और हर जगह गए, फिर भी एक जगह छोड़ दिया क्योंकि यहाँ की भी मुझे चिंता थी, इसलिए विलंब हुआ, यह मजबूरी थी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो मेरी मजबूरी थी इसलिए विलंब हुआ। मैं पुनः क्षमा याचना करता हूँ और फिर विषय पर आता हूँ। अभी वक्तागण खासतौर से अशोक दुबे जी ने कहा कि ब्राह्मण की स्थिति पुरातन काल से वंदनीय थी, अभिनंदनीय थी, समाज में आदरणीय थी, लेकिन अब दयनीय हो गई, शोचनीय हो गई, यह भी विचारणीय है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या हम पुरातन नहीं रहे इसीलिए? कोई समय था
जब समाज का बुजुर्ग 60-65 साल का मित्र के 10 साल के बच्चे से भी कहता था पंडित जी पैदा हुआ। एक वो स्थिति भी थी, एक वर्तमान स्थिति भी है। तो ये कारण क्या बने उसमें हमको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और उस मंथन से जो अमृत निकले उसका अपने अंदर वितरण करना चाहिए जिससे हम अपने अतीत पर पुनः प्राप्त करें। मित्रों, पहली तो मुझे ये याद देखकर अच्छा लगा कि एक जिस चीज को हम भूलते जा रहे थे संस्कारों को, उस संस्कारों से युक्त करने के लिए एक आयोजन हुआ है और एक अच्छा आयोजन हुआ है। 3 दिन से लगे हुए आप सब लोग इस आयोजन में, यही संस्कार हम भूलते चले गए, इसलिए संस्कृति से कटना, अपनी प्रकृति से कटना हमारी स्थिति को शोषणीय बनाते चला गया। प्रकृति हमारी क्या है? प्रकृति हमारी, मैं 3 घटनाओं से आपको बताना चाहता हूं। सब घटनाएं आप जानते हैं, आप विद्वान लोग हैं, लेकिन मैं बस पन्नों को पलट रहा हूं जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी प्रकृति क्या थी। और यदि हम उसको पुनः अपने आचरण में उतारे तो फिर कोई शक नहीं कि हमारी पुनः स्थिति वंदनीय अभिनंदनीय बनेगी समाज के अंदर। लेकिन हम अपनी चिति को भूल जाएंगे, प्रकृति को भूल जाएंगे और फिर हम कहेंगे हमारी स्थिति को बनी रहे तो थोड़ा मुश्किल होगा। एक उदाहरण पौराणिक है, गदी मुनि के बारे में आप सब जानते होंगे, क्योंकि ब्राह्मण की चिति समाज की सेवा और समाज की सेवा में अव्वल आगे आके लीड करना, समाज का लीडर है ब्राह्मण। लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करना त्याग बलिदान और संघर्ष का, तभी समाज भी उसको लीडर मानेगा। तो दधीच का उदाहरण हमारे सामने है कि जब पूरी मानवता संकट में आई उस